नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आपका प्रीलिम्स का पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन अगर आप एमबीबीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, एमबीबीएससी में अंतिम तरीके से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स आपका एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है और ये एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अब प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा बड़ी बातें आती हैं कि आगे की क्या रणनीति हो। कई सारे अभ्यर्थी जो प्रीलिम्स तक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, लेकिन आगे की जो चरण होते हैं उनमें उनको कन्फ्यूजन रहता है कहाँ कहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो मुख्य परीक्षा के स्तर पे होता है। मुख्य परीक्षा के स्तर पे सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से बिंदु इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उससे थ्री मार्कर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जो आजकल टू मार्कर में आएंगे, 7 मार्कर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, 10 मार्कर में क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, को टॉपिक के कौन से हिस्से से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से हिस्से से नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार टॉपिक सिलेबस को कवर करने के बाद उसे नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने के लिए किन किताबों का यूज करें, उनके लिए ऑथेंटिक कंटेंट क्या हो, ये सारी जो चीजें होती हैं ये एक अभ्यर्थी के मन में बनी रहती है। इसमें ज्यादातर अभ्यर्थी बहुत लंबा समय निकाल देते हैं नोट्स को कलेक्ट करने में, उसके लिए किताबें को देखने में, साथ ही साथ सिलेबस को समझ पाने में और सिलेबस से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको समझने में। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए दर्पण सिविल सर्विसेज के द्वारा एक 3 दिवसीय सिलेबस डिकोडिंग क्लास लाई जा रही है। इस सिलेबस डिकोडिंग क्लास के अंतर्गत हम सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का एनालिसिस करने वाले हैं, उस बिंदु में समझने वाले हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो जिससे आपकी जो तैयारी में जो एक लंबा समय लग सकता है सिलेबस को समझने में, पीवाईक्यू को समझने में और उसके आधार पर अपनी तैयारी को दिशा देने में, वो समय थोड़ा सा कम हो सकता है। ये जो सेशन है 3 दिवसीय सेशन, ये आपका 26 जून अर्थात बुधवार के दिन से प्रारंभ होगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा। ऑफलाइन ये दर्पण सिविल सर्विसेज के भोपाल सेंटर में जो एमपी नगर में स्थित है वहां पे होने वाला है। साथ ही साथ ऑनलाइन ये जो सेशन होगा ये यूट्यूब के माध्यम से होगा। तो अगर आप ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। आप ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं या ऑनलाइन आ सकते हैं, लेकिन इसको अटेंड करने का फायदा ये होगा कि आपको सिलेबस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आप इस सेशन में आ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है ना। जैसा भी हो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अल्टीमेट तरीके से पीएससी में सफलता तभी मिलेगी जब हम पहले से मुख्य परीक्षा के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। तो आप चाहे 24 की तैयारी कर रहे हो या 25 की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। तो आप सभी साथी इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।